अब बात करते हैं पेजिंग की। पेजिंग क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया पिछली वीडियो में दिया था जब मैंने नॉन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन बताई कि हम जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मान लो कोई प्रोसेस है P1, तो उसको पेजेस में बांट देते हैं इस तरीके से, उसके टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, P1 प्रोसेस के 5 टुकड़े कर दिए और जो मेन मेमोरी है उसको भी टुकड़े कर देते हैं, उसको फ्रेम्स में बांट देते हैं। जो प्रोसेस को बांटा उसका नाम रखा पेजेस और जो मेन मेमोरी के टुकड़े किए उसका नाम रखा फ्रेम्स। साइज ऑफ पेजेस इक्वल टू साइज ऑफ फ्रेम। अगर हमने P1 को 1 KB के 5 टुकड़ों में बांटा है तो मेन मेमोरी भी 1 KB के ही टुकड़ों में बटेगी, जितने मर्जी टुकड़े हों मेन मेमोरी के साइज पर डिपेंड करता है। अगर 10 KB की थी तो 10 पार्ट्स हो जाएंगे, 20 KB की थी तो 20 पार्ट्स हो जाएंगे उस हिसाब से। लेकिन प्रोसेस का तो जो साइज है उसके हिसाब से जो हमने पेज का साइज लिया है वही फ्रेम का साइज होगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जो भटका रही है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई P1 प्रोसेस था 4 byte का, हमने पेज साइज लिया 1 byte का, मतलब कि 1 byte के अलग अलग पार्ट्स किए गए, तो कितने पार्ट्स करेंगे टोटल 1 byte के, 4 इसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हुए, 4, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, क्योंकि 1 byte के 4 पेजेस हमने लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो पहला पेज है हमारा उस पेज का नाम होगा पेज 0, सेकेंड पेज का होगा 1, थर्ड पेज का होगा 2 और फोर्थ पेज का होगा 3। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी, पहले पेज का नाम 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2, फोर्थ का 3। ये जैसे बाइनरी में कैलकुलेशन 0 से स्टार्ट होती है वैसे ही। अब मेन मेमोरी हमारी 14 बाइट की थी, इस एग्जांपल में हमने 14 बाइट की मेन मेमोरी ली, तो हमने क्या किया, इस P1 प्रोसेस को मेन मेमोरी में बिठा दिया। हम मान के चल रहे हैं हमारी मेन मेमोरी अभी पूरी खाली थी, तो इसलिए P1 प्रोसेस को क्या किया, स्टार्टिंग में बिठा दिया बिल्कुल एक साथ, पहले पेज को यहाँ 0, 1, 2, 3। अब फ्रेम का साइज भी 1 byte ही है, पेज का साइज 1 byte था तो फ्रेम का साइज भी 1 byte ही है, तो पहला पेज 1 byte का पहले फ्रेम में आ गया, जो वो भी 1 byte का था। इस तरीके से हम अलग अलग भी बिठा सकते थे, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से ना करके ऐसे भी कर सकते थे, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, कहीं भी कर दो, क्योंकि नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन है, पूरा प्रोसेस कहीं भी पड़ा हो सकता है। ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है, जैसे मर्जी, जिस तरीके से जगह खाली है वैसे से। अभी तो हमने माना कि पूरी मेमोरी खाली थी। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें पूरी मेमोरी खाली नहीं है, तो पेज अगर हमारा है 4 byte का, सेम वही 4 byte का साइज लिया पेज साइज, लेकिन इस बार हमने 2 byte ले लिया, इधर 1 byte लिया था, इधर 2 byte ले लिया, तो हमारा P1 किस तरीके से बढ़ जाएगा, बेसिकली 2 pages में बढ़ जाएगा, और पहला पेज का नाम होगा 0, दूसरे का होगा 1। अब जो पहला पेज है उसके अंदर 2 bytes आएंगी, 2 bytes आएंगे, क्योंकि 2 byte साइज है ना पेज का, 2 byte, तो इसके अंदर बेसिकली 2 byte आएंगी, 0 और 1, या फिर अगर आप ए बी लिखना चाहें कि ए बी 1 byte का है, बी भी 1 byte का, ए बी लिखना चाहे तो इस तरीके से, लेकिन अभी हम 0 1 लिख लेते हैं कि 0 byte भी आएगी, 1 byte भी आएगी, और उसका पेज नंबर 0 है, उसमें 2 byte आ रही है, पेज नंबर 0 में कितनी byte आ रही है, 2, 0 और 1, और इधर आएंगी 2 और 3, पेज नंबर 1 में कौन कौन सी byte आ रही है, 2 और 3 byte आ रही है, टोटल 4 byte हमारी आ गई इस तरीके से। पहली 2 byte पहले 2 byte के पार्टीशन में, दूसरी 2 byte दूसरे 2 byte के पार्टीशन में, क्योंकि 4 byte के प्रोसेस को हमने 2 byte के पार्टीशन में बांट लिया। अब इसको फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी मेन मेमोरी यहाँ भरी हुई थी, यहाँ भरी हुई थी, यहाँ भरी हुई थी, फ्रेम साइज भी 2 byte है, पेज साइज 2 byte, तो फ्रेम साइज भी 2 byte, जो हमारी प्रिलिमिनरी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन। तो हमने क्या किया कि 1 frame पे, फ्रेम नंबर 1 पे 0 और 1 को रख दिया, बेसिकली पहला पेज जो था हमारा, पेज नंबर 0 जो था उसको फ्रेम नंबर 1 पे रख दिया, और पेज नंबर 1 जो था, जो दूसरा पेज था हमारा पेज नंबर 1, उसको हमने कहाँ रखा, फ्रेम नंबर 4 पे, तो पेज नंबर 1 को कहाँ रखा, फ्रेम नंबर 4 पे, और पेज नंबर 0 को कहां पे रखा, फ्रेम नंबर 1 पे, इस तरीके से। अब आपको एक प्रॉब्लम समझ आ रही होगी, सीपीयू को कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, सीपीयू के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, सीपीयू को भी इसको एक्सेस करना है, मान लीजिए उसको पेज नंबर 0 पे 2 बाइट्स हैं 0 और 1, उसमें से उसको 1 बाइट को एक्सेस करना है मान लीजिए, लेकिन वो 1 बाइट पड़ी कहां है, वो 1 बाइट तो पड़ी है फ्रेम नंबर 1 पे, फ्रेम नंबर 1 पे, और सेकंड नंबर पे पड़ी है, पहले 0 पड़ी है फिर 1 पड़ी है, सेकंड नंबर पे पड़ी है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 पेज पे पड़ी थी वो बाइट जो उसको एक्सेस करनी है, उसको कौन सी बाइट एक्सेस करनी है, बाइट नंबर 1, लेकिन वो कहाँ पड़ी है, पेज नंबर 0 पे, लेकिन मेन मेमोरी में वो कहाँ पड़ी है, फ्रेम नंबर 1 पे, तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए उसको ये 3rd byte एक्सेस करनी थी, 3rd byte कहाँ पड़ी है, पेज नंबर 1 पे, लेकिन मेन मेमोरी में वो कहाँ पड़ी है, फ्रेम नंबर 4 पे, पेज नंबर 1 से फ्रेम नंबर 4 उसको कैसे पता चले, ये पेज ये फ्रेम कैसे पता चले कि पेज नंबर 1 से फ्रेम नंबर 4 पे जाना पड़ेगा, और बाइट का नंबर तो सेम रहेगा। अच्छा, बाइट का नंबर क्यों सेम रहेगा, अगर पहली बाइट थी, फॉर एग्जांपल सेकंड बाइट थी, सेकंड बाइट क्या है, पेज नंबर 1 की फर्स्ट बाइट है, पेज नंबर 1 की फर्स्ट बाइट है, पहली बाइट है, तो फ्रेम में भी पहली ही बाइट रहेगी, 2, 3 जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में 2, 3 यहां पे रहेगा,
3-2 ये नहीं हो जाएगा। अब बात को समझ रहे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आप समझिए कि 2-3 यहाँ पे भी इसी ऑर्डर में रहेगा, 2-3, 0-1 इस ऑर्डर में 0-1 था, 0-1 ही रहेगा। पहली बाइट एक्सेस करनी थी पेज नंबर 0 की, तो फ्रेम नंबर 1 की भी वो पहली ही बाइट रहेगी। अब बात समझ रहे, लेकिन अभी भी उसको पेज से फ्रेम पे तो जाना पड़ रहा ना, बाइट का नंबर तो सेम है उस फ्रेम के अंदर, तो बाइट का नंबर सेम है लेकिन पेज से फ्रेम पे तो जाना पड़ेगा ना। पेज का नंबर तो यहाँ पे 0 है लेकिन फ्रेम का नंबर 1 हो जा रहा है, पेज का नंबर यहाँ पे 1 है लेकिन फ्रेम का नंबर यहाँ पे 4 हो जा रहा है। अब बात को समझ रहे, तो उसको यहाँ से मेन मेमोरी में एक्सेस करना है लेकिन उसको उसको लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पे जाना है। ये फिजिकल एड्रेस है मेन मेमोरी में और ये हमारे लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन अब जब प्रोसेस टुकड़ों में बट गया तो अब फिजिकल एड्रेस पे जाना है उसको, तो वो कैसे जाएगा एक एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पेजिंग का समझ आ गया कि प्रोसेस किस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है कि सीपीयू को लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पता लगाना है, क्योंकि जब प्रोसेस आपका इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस था वो बंट के अलग अलग जगह चला गया, ये मेन मेमोरी है, इसमें आधा प्रोसेस यहाँ रह गया, आधा यहाँ रह गया और आधा यहाँ रह गया। बेसिकली फिजिकल एड्रेस में जब वो बदल गया तो हमें लॉजिकल यहाँ पता था, लॉजिकल से फिजिकल पता लगाना है, LA से PA पता लगाना है, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पता लगाना है, ठीक है। तो CPU को मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, लॉजिकल एड्रेस CPU को पता है, फिजिकल एड्रेस से मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा। अब ये डायग्राम हम बाद में समझेंगे, पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे जैसे हमें समझ आ जाएगा ये पूरा डायग्राम भी समझ में आता जाएगा। इस एग्जांपल में हमने पेज साइज और फ्रेम साइज 4 लिया है, दोनों ही साइजेस सेम होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारा एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है P1। P1 क्या है, 16 बाइट का एक प्रोसेस है। 16 बाइट के प्रोसेस को 4-4 बाइट के 4 पेजेस में बांटा है, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, क्योंकि पेज साइज कितना है 4, तो 4 पेजेस जिनका साइज 4-4 बाइट है, 16 बाइट का एक पूरा प्रोसेस है। ये लॉजिकल मेमोरी या फिर लॉजिकल एड्रेस में इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है ये, और ये हमारी मेन मेमोरी है। अब इस प्रोसेस को हमने क्या किया, मेन मेमोरी में डाल दिया। फिजिकल एड्रेसेस इसके क्या हो गए, पेज नंबर 0 में क्या था, ABCD फिजिकल मेमोरी में कहाँ चला गया, ABCD यहाँ पे फ्रेम 5 पे, तो पेज 0 से फ्रेम 5 पे आप चले गए। इसी तरीके से EFGH क्या था, पेज 1 में था, ये कहाँ चला गया, फ्रेम 6 में, EFGH देखो यार फ्रेम 6 में। अब देखो ये जो मेन मेमोरी है इसके अंदर जो बचे हुए जो जगह है, जैसे ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, खाली है भरी हुई है अभी इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रोसेस तो इस तरीके से बढ़ा है, और नॉन कॉन्टिग्यूस में प्रोसेस कैसे भी पड़ा हो सकता है, इस तरीके से टुकड़ों में बांटो और जहाँ जहाँ जैसे जैसे जगह है वहाँ वहाँ बांट दो, तो जहाँ जहाँ हमारा प्रोसेस पड़ा है हमें अभी उसी से मतलब है, खाली जगह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से IJKL क्या है, पेज 2, IJKL यहाँ कहाँ पड़ा है, फ्रेम 1 में, और MNOP क्या है, पेज 3, और MNOP यहाँ कहाँ पड़ा है, फ्रेम 2 में। तो 4 हमारे पेजेस थे और 4 ही फ्रेम लगेंगे, क्योंकि हर पेज का साइज फ्रेम के इक्वल है। हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड हो गया इस जगह पे। अब आप एक बात ध्यान से समझ लो कि लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे जो हमें एड्रेस पता था वो हम 3 किसी भी लेटर का निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी का निकाल लेते हैं, एफ का निकाल लेते हैं और पी का निकाल लेते हैं लॉजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो पी यानी कि उसका पेज नंबर क्या है, इस तरीके से बॉक्स में आप बना लो पेज नंबर क्या है, और डी है हमारा पेज ऑफसेट। पेज ऑफसेट क्या है अभी हम समझेंगे, क्योंकि इस डायग्राम में भी पेज ऑफसेट समझने की जरूरी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिख लो पी है हमारा पेज नंबर और डी है पेज ऑफसेट, उस पेज में कहाँ पे पड़ा है वो अल्फाबेट, ठीक है। इस तरीके से अभी हम समझ लेते हैं, तो सी हमारा कहाँ पड़ा है, सी हमारा पड़ा है पेज नंबर 0 में, और कहाँ पड़ा है, पेज नंबर 0 में कहाँ पड़ा है, सेकंड पोजीशन पे। एफ कहाँ पड़ा है, एफ पड़ा है पेज नंबर 1 में, और पेज नंबर 1 में कहाँ पड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे। पी कहाँ पड़ा है, पी पड़ा पेज नंबर 3 में, और पेज नंबर 3 में कहाँ पड़ा है, थर्ड पोजीशन पे, 0-1-2-3 में 3 पे ही तो पड़ा है ना पी। इस तरीके से लॉजिकल एड्रेस में हमें 2 चीज़ चाहिए, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। इस तरीके से सीपीयू को लॉजिकल एड्रेस पता था, लॉजिकल एड्रेस क्या है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। अब पेज नंबर से फ्रेम नंबर उसको पता लगाना है, पेज नंबर से फ्रेम नंबर कैसे पता चलेगा, इस पेज टेबल से, ये पेज टेबल में आ गया, पेज नंबर से फ्रेम पेज टेबल में, पेज टेबल से फ्रेम नंबर पता चल गया। और पेज ऑफसेट जो है, पेज ऑफसेट वो सेम रहेगा। फिजिकल एड्रेस के में भी 2 पार्ट हैं, जैसे लॉजिकल एड्रेस में 2 पार्ट, पी ओ डी, पेज नंबर और फ्रेम पेज ऑफसेट, इसी तरीके से यहाँ पे फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट ये सेम रहेगा, डी सेम रहेगा, बस पेज नंबर से फ्रेम नंबर बन रहा है, उसके लिए पेज टेबल चाहिए। अभी डी सेम कैसे रहेगा वो भी एग्जांपल से समझ लेते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। फिजिकल एड्रेस में क्या क्या चाहिए, फ्रेम नंबर और डी। अब आप देखो सी का, इसी तरीके से आप लिख लो कि सी एफ और पी का ही निकालेंगे ना, तो सी का फिजिकल एड्रेस क्या होगा, सी का फिजिकल एड्रेस के लिए फ्रेम नंबर चाहिए, तो पेज नंबर था 0, तो 0 से कौन से फ्रेम बन गया, फ्रेम 5,
फ्रेम फाइव, चाहे आप इस डायग्राम से देख लो, फ्रेम फाइव में ही तो पढ़ा ना सी, सबके फ्रेम नंबर पहले निकाल लो। एफ क्या हुआ, एफ का पेज नंबर था वन, फ्रेम कौन सा बन गया सिक्स, एफ कहाँ पढ़ा है फ्रेम सिक्स में। पी, पी का पेज नंबर क्या था थ्री, पेज नंबर थ्री, फ्रेम कौन सा बन जाएगा टू, टू सेकेंड में ही पढ़ा पी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डी अब देखो आप फ्रेम में कहाँ पे पढ़ा है, अब सी फ्रेम नंबर फाइव में कहाँ पे पढ़ा है, फ्रेम नंबर फाइव में सी कहाँ पढ़ा है सेकेंड पोजिशन। भाई इसी तरीके से तो देखेंगे ना, जीरो वन टू थ्री, इसी तरीके से आप देख लो सेकेंड पोजिशन पे पढ़ा है। एफ फ्रेम नंबर सिक्स में कहाँ पढ़ा है, जीरो वन टू थ्री फर्स्ट पोजिशन पे पढ़ा है। पी फ्रेम नंबर टू में कहाँ पढ़ा है, जीरो वन टू थ्री थर्ड पोजिशन पे पढ़ा है। आप देखो डी सेम है, टू वन थ्री टू वन थ्री, सिर्फ पी से एफ बन गया, पी से एफ के लिए पेज टेबल मेंटेन करता है। तो ये डायग्राम है, सीपीयू फिजिकल एड्रेस पे कैसे जाएगा, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पे कैसे जाएगा, पेज टेबल से डी का डी ही रहेगा। अब एक और बात आप समझो, फॉर एग्जांपल आपको लॉजिकल एड्रेस से एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस निकालना है, तो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर आपका जैसे सी का निकाल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो सी का फ्रेम नंबर कितना है फाइव, फ्रेम का साइज या फ्रेम का साइज या पेज का साइज कितना है फोर, तो फाइव इंटू फोर और प्लस ये ऑफसेट, प्लस ये ऑफसेट तो हो जाएगा 22। तो सी हमारा कहाँ पे पड़ा है 22 पे, आप देखो 22 पे इस, ये सी का निकाला। इसी तरीके से पी का अगर आप निकालना है, तो पी का हमारे पास फ्रेम नंबर क्या है टू, पेज का साइज या फ्रेम का साइज कितना है फोर, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा फोर, और प्लस ऑफसेट थ्री, एट प्लस थ्री इलेवन, पी हमारा कहाँ पे पड़ा है इलेवन पे, ये देखो इसके अंदर। तो हम कम्प्लीटली एड्रेस निकाल सकते हैं बस ये टेबल मेंटेन करके, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है पेजिंग के अंदर। यही एक बात है, एग्जांपल से आपको ये डायग्राम भी समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। नॉन कॉन्टिन्यूस का यही एडवांटेज है, टुकड़े करो और जिस हिसाब से जगह बने डाल दो। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पूरे तरीके से रिड्यूस होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सिर्फ आखिरी टुकड़े में होगी, इसमें कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इनमें खास नहीं होगी। मुझे लगता है अब आपको पेजिंग का पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है जो एग्जांपल मैंने दिया उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं, स्टार पॉइंट्स हैं पेजिंग से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जगह पड़ी है इस तरीके से टुकड़ों में, पाँच के बी यहाँ, पाँच के बी यहाँ, पाँच के बी यहाँ, इस तरीके से पड़ी है, और पूरा प्रोसेस हमारे पास आ गया 15 KB का, लेकिन जगह तो है हमारे पास 15 KB, लेकिन इस प्रोसेस को हम फिट नहीं कर सकते, ये होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन पेजिंग से तो ये रिड्यूस हो गया, क्योंकि नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन में क्या करेंगे, पाँच 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 के तीन हिस्से बनाएंगे और इसको तोड़ के अंदर अंदर डाल देंगे, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन खत्म हो गई। सम माइन्यूट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज देयर, अगर प्रोसेस 14 KB का होता तो इसके क्या होता, पाँच पाँच और चार, तो पाँच पाँच चार में पाँच यहाँ डाल दिया, पाँच यहाँ डाल दिया, आखिरी वाले में पाँच का जगह अवेलेबल है लेकिन चार ही डाल पाए, तो 1 KB की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। इस तरीके से आखिरी पार्ट में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, इसलिए मैंने बोला कि वेरी माइन्यूट इंटरनल में फ्रेगमेंटेशन सिर्फ लास्ट हिस्से में होगी। ईच प्रोसेस हैज अ सेपरेट पेज टेबल, हर प्रोसेस के लिए अलग पेज टेबल बनेगी, ऐसा नहीं है कि P1 के लिए जो पेज टेबल है वही P2 के लिए बन जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर प्रोसेस मेन मेमोरी में अलग अलग जगह पे है, तो उस हिसाब से हर प्रोसेस के लिए अलग पेज टेबल बनेगी। ये इसका डिसएडवांटेज है एक तरीके से आप देखो, क्योंकि आपको बार बार पेज टेबल मेंटेन करने में भी तो समय लगेगा, उसमें भी तो स्टोरेज लगेगी। एड्रेस मैपिंग इज रिटन फ्रॉम यूजर एंड इज मैनेज्ड बाय अस, अब ये जो फिजिकल एड्रेस है ना, यूजर्स को इससे कोई मतलब नहीं है, यूजर तो अपना लॉजिकल एड्रेस पर काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा फिजिकल एड्रेस को मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का यूज करके, जो मैंने पीछे आपको डायग्राम समझाया, ठीक है। तो यही इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये सारा, इस तरीके से जैसे उसने पार्ट्स बाय पार्ट्स करके टुकड़ों में डाला है प्रोसेस को, तो उसका क्या एड्रेस वगैरह है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है, यूजर को कोई मतलब नहीं है। OS मस्ट ऑल्सो मेंटेन अ फ्रेम टेबल, OS को एक फ्रेम टेबल भी मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे पेज टेबल मेंटेन हुआ, पेज टेबल में लिखा गया कि कौन सा पेज किस फ्रेम को अलॉट हुआ, इसी तरीके से फ्रेम टेबल भी होना चाहिए। फ्रेम टेबल क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्रेम खाली पड़ा है, तो उसको पता होना चाहिए फ्रेम टेबल को, ये फ्रेम खाली है, फ्रेम टेबल में लिख दो, और ये वाला फ्रेम भरा हुआ है, तो पता चल जाएगा ये फ्रेम किस पेज को दिया हुआ, पेज वन को दिया हुआ, टू को दिया हुआ, इसी और किस प्रोसेस के का वो पेज है। फॉर एग्जाम्पल P1 के पेज 1 को दिया हुआ है, ये वाला फ्रेम हमने क्या किया हुआ P2 के पेज 0 को दिया हुआ, ये वाला पेज क्या किया हुआ, ये पेज हमने P1 के सेकंड पेज को दिया हुआ, इस तरीके से पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे फ्रेम टेबल भी बन सकता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपकी ये सारी ही टॉपिक्स कवर हो गए हैं, पेजिंग काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें।